हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमन सर और आपका स्वागत है आपके इस प्यारे चैनल अमन केमिस्ट्री पर। आज आपके क्वेश्चन में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं कि सर कौन सा बुक पढ़े केमिस्ट्री में, क्लास 11th में हो या 12th में हो या ड्रॉप आउट हो आप लोग जेई के लिए या फिर नीट के लिए, तो कौन सा बुक पढ़े। और जिन बच्चों को न्यूमेरिकल करना पसंद है उनका सवाल है सर कौन से बुक से न्यूमेरिकल करें। तो आज के डेट में तो आपके लिए मॉड्यूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मॉड्यूल्स से कुछ मार्केटिंग आप लोग समझिए बात को। मॉड्यूल्स अच्छी बात होती है कि मॉड्यूल्स आप लोग पढ़ते हैं, मॉड्यूल्स बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कहीं का खराब नहीं होता है। लेकिन मॉड्यूल्स में आपके लेवल निर्धारित नहीं होते हैं, इतना याद रखिएगा। मॉड्यूल्स में आपके लेवल निर्धारित नहीं होते हैं, किसी का मॉड्यूल्स ईजियर कर दिया जाता है ताकि उनके मॉड्यूल्स को मैक्सिमम लोग परचेज करें, उनके मॉड्यूल्स को बना करके लोग से बने तो लोग उनके मॉड्यूल्स को परचेज करें। वही किन्हीं किन्हीं का मॉड्यूल बहुत टफ रहता है। खैर इन सब बातों छोड़िए, हम लोग बुक में विश्वास करते हैं, बुक की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स भी बनाए जाते हैं बुक से ही। आप लोग जानते ही हैं कि जितने भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हैं, चाहे जितने भी इंस्टीट्यूट में किन्हीं टीचर्स को देखते हैं, सभी तो आखिर बुक्स की स्टडी की है ना। तो बुक्स सबसे बेस्ट होता है। जब से ये ऑनलाइन या फिर यूं कहें कि जब से डिजिटलाइज हुआ है सब कुछ, तो आप देखिएगा एक चीज़ कि पहले बच्चे किताब पढ़ के कोचिंग पढ़ने जाया करते थे, अब बच्चे रील्स देख करके कोचिंग पढ़ने जाया करते हैं। अब बच्चे उन पढ़ाई को ही सफिशियंट मानते हैं जो वन शॉट में उन्हें मिलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बुक्स अभी भी फॉलो करते हैं और वही सक्सेस भी होंगे आगे जा करके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें प्रॉपरली, तो केमिस्ट्री में एक तो है कि थ्योरी पढ़ने में कौन सा बुक हम लोग इस्तेमाल करें और एक तो है कि न्यूमेरिकल करने में क्या इस्तेमाल करें, ठीक है। इसमें हम आपको एक बात तो क्लियर कर देते हैं कि आप चाहे जिस भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर हम केमिस्ट्री के तीन पार्ट्स को ध्यान दें तो उसमें जो एक पार्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला जो मान लो पार्ट यहाँ ले लेते हैं कौन सा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूं कहें कि आपके रिजल्ट्स के लिए एनसीईआरटी सफिशियंट है। आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लो, उसके हर सवाल को कर लो। तो ऐसा देखा गया कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से उठा करके क्वेश्चन डाल दिया गया एग्जाम में। तो आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम टेंशन मुक्त होकर के आप लोग एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करिए, डेफिनेटली वहां से आपका अच्छा आपको रिस्पांस मिल जाएगा, आपके क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व होंगे। एनसीईआरटी का एक एक लाइन आप हाइलाइटर से पढ़िए, हाइलाइट से हाइलाइट करते हुए पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बनाइए, तो डेफिनेटली आपका इनऑर्गेनिक अच्छा हो जाएगा। बातों की पढ़ने के लिए तो और उनको एलिब्रेट करने के लिए हम लोग और भी बुक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनऑर्गेनिक में बस इतना सफिशियंट है। चलिए बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल की बात करें तो फिर यहाँ पर हम पहले आपको बताते हैं कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं किसी बुक या किसी पब्लिकेशन के स्पॉन्सरशिप में नहीं बना रहे हैं, मतलब किसी को प्रमोट हम नहीं कर रहे हैं, हम वही बता रहे हैं जो हम स्टडी किए हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो पहले बच्चे वो बच्चे होते हैं जिन्हें थ्योरी पढ़ना पसंद होता है, जो कि मान लो कि बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्टेट बोर्ड्स की, जिनके जैसे बिहार बोर्ड होता है, तो इस बोर्ड में न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ऊपर से ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, तो न्यूमेरिकल ना भी करो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी बना करके आ जाओ बोर्ड्स, आराम से 100% क्वेश्चन क्लियर रहता है। CBSE में 25 मार्क्स के अराउंड 70 में न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाना पड़ता है। JEE और NEET की बात करें तो न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं। तो जिन बच्चों के स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में उनको न्यूमेरिकल से मतलब नहीं है, थ्योरी पढ़ना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये कहेंगे उनको कि अगर आप बुक खरीद सकते हैं, आप बुक्स ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट्स पढ़िएगा, आप लोग जो है एनसीईआरटी पढ़िएगा, वो तो है ही, ठीक है ना, कंपलसरी ही है एनसीईआरटी। इसके अलावा आप चाहिएगा तो सिंपल मॉडर्न एबीसी को फॉलो कर सकते हैं, मॉडर्न एबीसी बुक को फॉलो कर सकते हैं आप थ्योरी का स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में मॉडर्न एबीसी फॉलो करोगे प्लस एनसीईआरटी, डेफिनेटली आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, कहोगे सर न्यूमेरिकल करना है, ये किसके लिए बता दिया आपको हम, थ्योरी के लिए बताए।
अब अगर न्यूमेरिकल के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए 11th 12th में है, आपको अपना फ्यूचर देखना है, ये बोर्ड्स भी आपका मान लीजिए CBSE है या आपका फ्यूचर JEE में या नीट में है, तो आप स्टार्टिंग से ही न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दोगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग अगर स्टार्टिंग में ही आप लोग जो है न्यूमेरिकल में यही होता है, डीमोटिवेट होना या फिर हौसला बढ़ जाना, दोनों स्टार्टिंग में ही होता है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको डीमोटिवेट नहीं होना है किसी भी तरीके से। तो न्यूमेरिकल्स को लेवल वाइज आप बनाइए, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि आप जो है स्टार्टिंग आप स्टार्ट करिए दो चीज से, एक NCERT और एक RC मुखर्जी से, है ना। एक आप न्यूमेरिकल के लिए, फॉर न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं एक RC मुखर्जी की बुक से, RC मुखर्जी के बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप साथ में NCERT भी ले सकते हैं। अगर यहां पर RCM के प्रैक्टिस करने के बाद अगर लगे कि नहीं और भी हम आगे बढ़ सकते हैं, तब आप लोग एकदम सबसे इससे बेस्ट बुक आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, वो है आपका एन अवस्थी का बुक, नरेंद्र अवस्थी का बुक आता है, श्री बालाजी पब्लिकेशन का आता है, ठीक है। इनके बुक को आप स्टडी करिए, डेफिनेटली है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सारे लेवल का न्यूमेरिकल इतने दूर में ही आ जाएगा। इतना जो आप तैयारी कर लोगे इतना टफ एग्जाम में भी नहीं आता है। यानी कि सबसे आप टफेस्ट बुक को और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बुक को देखिएगा तो एन अवस्थी में आ जाता है। टफेस्ट का मतलब ये नहीं कि बनेगा नहीं, डेफिनेटली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेवल वाइज करके है आपसे आराम से बनेगा। उसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं दिए गए, सिलेक्ट किए गए हैं, ताकि मतलब कि हर तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं सारे के सारे क्लियर हो सके, ठीक है ना। इस तरह से डिजाइन किया गया उस बुक को। हम फिर से बोल रहे हैं, प्रमोशन का कोई वीडियो नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है ना। आप एन अवस्थी बनाने के बाद कभी PYQ सॉल्व करिएगा, लगेगा PYQ में कोई दम ही नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां से देखिए, यहां से तो आपको NCERT से काम चलने वाला है नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस का डिमांड करता है, यानी कि ये समझ लीजिए कि जिस दिन से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिए, उस दिन से आपको हर दिन अप टू एग्जाम, है ना, हर दिन आपको ऑर्गेनिक पर फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी तरीके का डिसकंटिन्यूटी बर्दाश्त नहीं करता है। अब अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, बीच में अगर 4 दिन छोड़ दिए हैं, तो यूँ समझिए आपको बैक लग गया वहाँ पर, आपका पढ़ा हुआ चीज़ भी खराब हो जाएगा वहाँ से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डेफिनेटली जो है प्रैक्टिस लगातार करते रहना होगा आपको, और जितना ज़्यादा करोगे ऑर्गेनिक में उतना ही आपका अच्छा होते जाएगा, बेस्ट होते जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक का कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर जाते हैं, ऑर्गेनिक में कोई न्यूमेरिकल मतलब कि सब तो क्वेश्चन तो थ्योरी, न्यूमेरिकल तो सेम ही होता है, मतलब कि इक्विवेलेंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस अच्छे से पढ़ करके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहोगे, तो आप श्री बालाजी पब्लिकेशन का ही MS चौहान का बुक ले सकते हैं। MS चौहान का आप बुक प्रीफर कर सकते हैं, साथ में आपका NCERT रहेगा न्यूमेरिकल ये सवाल करने के लिए, तो वो भी अच्छा है। MS चौहान का बुक ले लीजिएगा। तो इससे अगर ऑर्गेनिक आप कर लेते हैं, आप इसमें जो बुक आता है ना, JEE का अलग आता है, नीट का अलग आता है, अलग अलग आप बुक ले सकते हैं। इसमें Level 1, Level 2 हर तरह के सवाल होते हैं, फिर PYQ भी होता है, असर्शन रीजन भी होता है, हर तरह के सवाल जिस तरह से आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हर तरह के सवाल आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अच्छा, अगर कहिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको बेसिक से हमको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बेसिक से, तो बेसिक पढ़ने के लिए हम यही कहेंगे OP टंडन का बुक जो है आता है, OP टंडन का बुक आता है। आप ऑर्गेनिक के लिए तैयारी अगर करना चाहते हैं थ्योरी का, तो OP टंडन का बुक GRU क्वालिफिकेशन का आता है, ये आप यहाँ से प्रीफर कर सकते हैं। तो अगर इतने आप लोग अगर इस जिस ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, हम यही बता रहे हैं आपको हम, कि अगर बिहार बोर्ड की तैयारी जैसे मान लो कोई बच्चा करता है, तो हम खास करके हम अगर यहाँ पर कहोगे तो हम कहते हैं बाबू NCERT और सर जी के नोट्स वही काफ़ी है, इनफ है बिहार बोर्ड में 100% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बट अगर CBSE की बात होती है तो थोड़ा सा वहाँ पर लेवल बढ़ जाता है, और थोड़ा सा अगर क्या कहते हैं
अगर जेई और नीट की बात होती है तो हम जेई और नीट करके खास कर लेके यहाँ बता दिए हैं कि जिस भी आप चीज़ की स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी स्ट्रीम में हो आप लोग, उस तरीके का आप यहाँ पर अपना चुन लें कि किस में क्या करने हम बोले हैं, उस ढंग से आप तैयारी करें। डेफिनेटली हम बार बार फिर से कह रहे हैं कि बुक्स का स्टडी नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। देखते हो कि बहुत लोग जो है तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन जिनका होता है उनसे आप कभी एक्सपीरियंस करिए जा करके, ठीक है ना। सिलेक्शन जिनका होता है उनसे एक्सपीरियंस करिए, वो डेफिनेटली बताएंगे कि बुक कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर मेरी बात सही लगी हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, और भी कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर दें। आपकी वैल्यूबल राय को मेरा सलाम रहेगा हमेशा, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। बाय बाय।